सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। भारतीय शोधकर्ताओं ने एक ऐसी तकनीक बना ली है कि अब कैमरे के सामने बचना नामुमकिन है। हाँ दोस्तों, एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना ली है जिसकी मदद से अगर कोई गुम हो जाए या कोई क्रिमिनल छुप रहा है तो उसे ढूंढा जा सकता है। हेलो गाइस, मैं हूं विनोद। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता जगह कर रही है। अब तक हम स्मार्टफोन और स्मार्ट होम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते रहे हैं, अब इसका इस्तेमाल पुलिस करेगी। भारतीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने इस मशीन को ऐसे बनाया है कि किसी भी इंसान के कपड़े, लंबाई, उसकी जेंडर के आधार पर उसे पहचाना जा सकता है। वैज्ञानिक ने इस AI मशीन को एक डीप लर्निंग टेक्निक जो माइक्रोसॉफ्ट के कोको डेटाबेस की मदद से तैयार किया गया है, इस AI मशीन को ऐसे ट्रेन किया गया है कि किसी भी इंसान के सकल सूरत के आधार पर उसे पहचाना जा सके। इस तकनीक के जरिए जिस इंसान का पहचान करनी होगी उसकी कुछ जानकारी और फोटो AI को देना पड़ेगा। उसके बाद AI उसकी स्टाइल, उसकी कपड़े पहनने की ढंग के हिसाब से विश्लेषण करेगी और उसकी पहचान करेगी। इसे अपराधी को पकड़ने में भी मदद मिलेगा। इस AI मशीन को बनाने वाले वैज्ञानिक का कहना है कि 41 लोगों में से 28 लोगों का पहचान कर ली है। मान लीजिए कोई इंसान 2 दिन से गायब है तो उस इलाके की जितने भी CCTV कैमरे हैं उसके वीडियो कलेक्ट करनी होगी और AI को टीम को देनी होगी। इसके बाद AI टीम उसी हिसाब से उस इंसान का पहचान करेगी और उसे ढूंढने की कोशिश करेगी। इसे सर्विलांस में भी यूज़ किया जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता ये मशीन डेवलप कर रही है, उसके बाद भारत में हर जगह पर ये मशीन की यूज़ होने लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।